इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे UA741। ये एम्पलीफायर IC है, जो हमारे एम्पलीफायर के बोर्ड आते हैं उनमें ये लगी रहती है। जैसे हमारी 4558 या LM324 या और भी बाकी IC है जो एम्पलीफायर में लगी होती है। इन IC का क्या काम होता है कि जो हमारी मोबाइल की इनपुट होती है या हमारे USB कार्ड की जो इनपुट होती है, उसको ये फिल्ट्रेशन करके हमारे बोर्ड को देता है जो हमारा ऑडियो बोर्ड लगा होता है। तो देखिए, मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाऊँगा कि इसका सर्किट डायग्राम आप किस तरीके से अपने पास लगा सकते हैं बना के। तो देखिए, मैं आपको ये सर्किट डायग्राम पूरा बना के दिखाता हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से दिखाऊंगा जो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, इसमें पहले नंबर की पिन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये सारा लिखा हुआ है। तो आप देखिए, इसके अंदर मैं बनाता हूँ। तो देखिए, इसमें पहले नंबर की जो पिन है इसको छोड़ देना है हमें। आठवें नंबर की जो पिन है ये भी हमारी खाली है। पाँचवें नंबर की जो पिन है हमारी, ये भी हमारी खाली है। तो देखिए, हमारी ये तीन पिन खाली हो गई, इनका हमें कोई यूज नहीं करना। अब आ जाते हैं हम सप्लाई पे। तो सबसे पहले हम इसको सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए, चार नंबर पे हमें इसमें 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक सप्लाई देनी है, और वो देनी है हमें माइनस सप्लाई, माइनस 12 या प्लस माइनस वोल्ट देनी है। फिर आ जाते हैं हम इसकी पॉजिटिव सप्लाई पे। तो पॉजिटिव सप्लाई जो हम देंगे, वो देंगे हम सात नंबर पे। सात नंबर पे भी हम 12 से 15 वोल्टेज तक देंगे और ये होगी हमारी पॉजिटिव सप्लाई। और जो मैं आपको ये सर्कल बना के दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा सर्कल होगा, ये हो गया हमारा ग्राउंड, जिससे कि हमारी पूरी सप्लाई कंप्लीट होती है। 12 माइनस, 12 प्लस और ग्राउंड, ये हमारी तीनों सप्लाई कंप्लीट हो गई। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड। ये जो मैंने बनाया है, ये ग्राउंड, पॉजिटिव वोल्टेज और माइनस वोल्टेज, तो ये वोल्टेज हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए, अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि हमारी जो ये तीन नंबर की पिन है, इस तीन नंबर पे हमें इनपुट देनी है और यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1K। 1K से लेकर यहाँ पर हम 10K तक लेके जा सकते हैं। जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ अच्छी लगे वहाँ पर ही आप इसको रोक सकते हैं। 1K से लेकर 10K तक, 1K से लेकर 10K तक यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं तीन नंबर की पिन पे। और यहीं से ही ठीक आपको ग्राउंड करनी है 1K रेजिस्टेंस। 1K रेजिस्टेंस ग्राउंड भी होगी और उसी रेजिस्टेंस से हमें इनपुट देनी है। ये हो गई हमारी इनपुट, इनपुट और ग्राउंड, ये दोनों मिला के हम इसके अंदर देंगे तो हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगी। तो आउटपुट मिलेगी हमें 6 नंबर से। ये देखिए, 6 नंबर की जो पिन है यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। तो आउटपुट जब हमें मिलेगी तो यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे एक कैपेसिटर से, जो होगा हमारा 4.7 UF 50 वोल्ट। ये हम कैपेसिटर लेंगे यहाँ पर, जो हमें है यहाँ पर लगाना है हमें पॉजिटिव वाला, जो हमारा प्लस का निशान होता है कंडेंसर पे, और यहाँ पर माइनस वाला। तो इस तरीके से हमारा कंडेंसर लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि हम आउटपुट पे और जो ये दो नंबर की जो हमारी पिन है, इसको अब हम करेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से आउटपुट पे, और हमारी जो ये दूसरे नंबर की पिन है यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यहाँ की जो रेजिस्टेंस है हमारी, और सीधी जो हमारी 6 नंबर की पिन पे, 6 नंबर की जो पिन पे ये हमारी, और 2 नंबर की पिन पे एक रेजिस्टेंस लगेगी। रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएंगे 47K से लेकर 56K तक।
47 के से लेकर 56 तक पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, 2 नंबर से 6 नंबर के बीच में। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस 22 के से चालू करनी है और 56 के तक लेके जा सकते हो। जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ सही लगे कि हाँ इतनी आवाज़ बहुत है, तो ये आपका जो है ऑडियो इस आईसी से सही मिलेगी। तो ये दोस्तों रेजिस्टेंस हम कम ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि किसी बोर्ड में हमें आवाज़ तेज़ चाहिए होती है, किसी बोर्ड के अंदर हमें आवाज़ मंदी रखनी होती है, तो इसीलिए हम ये सर्किट बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है, इस रेजिस्टेंस के ठीक साथ ही आपको एक पीएफ कनेक्ट करना होगा। पीएफ होगा आपका 470। यहाँ पर आप 471 भी लगा सकते हो, ये दोनों एक ही होते हैं, 470 471 यहाँ पर आपको पीएफ लगाना है इस रेजिस्टेंस के ठीक साथ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने पूरा सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखा दिया है, UA741। मेरी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी ही ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा।